हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार, और आप सभी का जो है मेरे यूट्यूब के चैनल स्टडी टू फॉर शेयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था जो है परमार जो है हमने देखा है चंदेल वंश के बारे में, और इससे पहले हमने जो है चार वंश देख चुके हैं। आज का हमारा जो पांचवा वंश है परमार वंश, तो परमार वंश के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परमार वंश। जो परमार वंश था या वंश, इसका जो संस्थापक थे, संस्थापक का नाम था उपेंद्र या कृष्णराज प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनता है कि इसके संस्थापक कौन थे। तो वो थे उपेंद्र या कृष्णराज प्रथम। इसके साथ साथ जो इनका स्थान आता है, जो परमार वंश का इनका स्थान था राजस्थान के आबू पर्वत पर, राजस्थान के आबू पर्वत पर इनका स्थान माना जाता है। और जो परमार वंश की राजधानी थी वह थी धारा, मध्य प्रदेश। जो धारा थी वह मध्य प्रदेश में स्थित है, इनकी राजधानी का नाम धारा था। और इसके साथ साथ जो है जो इस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे उनका नाम था राजा भोज। राजा भोज परमार वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक है। राजा भोज के बारे में आप लोगों ने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, तो यहाँ से आप उनको कनेक्ट करिए, कनेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत ही आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आपके एग्जाम में मदद करने वाला है। तो राजा भोज जो है परमार वंश के प्रसिद्ध शासक थे। राजा भोज ने जो है कन्नौज को जीता था, कन्नौज को जीता था इन्होंने, और इनको कविराज की उपाधि जो है मिली हुई थी। कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, क्योंकि ये बहुत बड़े कवि थे राजा भोज, और इन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। और राजा भोज के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यह बहुत ही विद्या प्रेमी था। राजा भोज जो है विद्या प्रेमी थे, दानशील थे, और इन्होंने संस्कृत में लगभग 20 ग्रंथ लिखे हैं। इसे आप आशा लगा सकते हैं कि राजा भोज कितने महान शासक था, जो कि एक कवि भी था, विद्या प्रेमी था, एक प्रसिद्ध शासक भी हुआ है परमार वंश का। इसके साथ साथ वो विद्या प्रेमी, दानशील और संस्कृत के 20 ग्रंथ लिखे हैं। संस्कृत में 20 ग्रंथ है, बहुत ही जो संस्कृत में ग्रंथ लिखता है बहुत ही मतलब कि बहुत ही बड़ा जो है वह जो है हिंदी का जो है कवि या संस्कृत का बहुत ही बड़ा साहित्यकार माना जाता है। तो इसने 20 ग्रंथ लिखे थे राजा भोज ने। और राजा भोज के बारे में एक और जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि राजा भोज ने जो है एक महाविद्यालय को स्थापित किया था, उसका नाम था धारा महाविद्यालय। धारा महाविद्यालय राजा भोज के द्वारा स्थापित किया गया था, इसको राज्य के द्वारा संरक्षण भी प्राप्त था। इसके साथ साथ आता है राजा भोज ने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था, तो वो थे सरस्वती मंदिर, और इन्होंने इसके साथ कई मंदिर निर्माण कराया था। सरस्वती मंदिर उनमें से बहुत ही प्रमुख था, और भोजराज तालाब बनवाया था राजा भोज ने। तो ये राज जो था कुछ हमने परमार वंश के बारे में देखा और इनके बारे में समझा, राजा भोज के बारे में भी जाना। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, और वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। और तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो लोग कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है पाल वंश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट हिस्ट्री में जाके वहां से आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो है पिछली वीडियो जो है हिस्ट्री के बारे में, मौर्य वंश या गुप्त वंश या जो है वर्धन वंश, इनके बारे में, और सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव के बारे में, आप वहां से पिछली वीडियो देख सकते हैं। और जो ऊपर के जो वंश छूटे हैं आपके, वो जो है राजपूत वंश, उनको भी आप वहां से देख सकते हैं हिस्ट्री के। हमारे यूट्यूब के चैनल स्टडी 24x7 पर आपको हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इनको देख सकते हैं।